अच्छा भाई बच्चों अस्सलाम वालेकुम कमिंग बैक टू द पॉइंट हम लोगों का जो एक क्रैश प्रोग्राम चल रहा था उसके अंदर हमने अपना ई e कैट और एम डी कैट का तकरीबन तमाम कोर्स मुकम्मल कर लिया था कुछ हमारे टॉपिक्स ऐसे थे जो कि सिर्फ फेडरल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर हेल्प आउट कर रहे होते हैं तो ये एक छोटा सा जो हमारा आ, कह लो कि पार्ट बाकी था ताकि हमारा कंप्लीट कहानी पूरी हो जाए उसको पूरा करने के लिए हम लोग आज की क्लास में अपना ऑल्टरनेटिंग करंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे अच्छा जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ये हमारे पास एक तरह से लेक्चर नंबर वन है ठीक है ये हमारे पास लेक्चर नंबर वन होगा बेसिकली हमारे पास तीन चैप्टर्स हैं कवर करने के लिए जो सिर्फ फेडरल के हैं अच्छा ई e कैट में वो कहाँ पे आते हैं ई कैट में अगर आप सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के अलावा पूरे पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे इसी तरह से एम कैट के अंदर अगर आप पीएमसी को हटा के आगा खान की तैयारी कर रहे हो या नम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको ये हेल्प आउट कर रहे होंगे ठीक है तो जैसे बाकी का क्रैश प्रोग्राम पूरा किया हुआ है जिसमें ई कैट एम डी कैट के तमाम क्वेश्चंस को हमने टारगेट किया हुआ है कवर किया हुआ है पूरा सिलेबस एम डी कैट और ई कैट e की तमाम प्ले लिस्ट पर इधर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसको आप देख लेना वो कम्प्लीट कोर्स मौजूद है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं जनाब ऑल्टरनेटिंग करंट से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास आगा ख़ान और आ, नम्स का पेपर देने वाले कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने इसको पहली दफ़ा पढ़ा होता है ख़ास पे जितने हमारे सिंध बोर्ड के बच्चे हैं आपके कोर्स के अंदर ही बात है ये अभी तक तो शामिल नहीं है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ बाद में कभी आ जाए क्योंकि तो पता नहीं खैर एक नई किताब भी आने वाली है तो हो सकता है उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है और इसके अलावा जो हमारे एलेबल्स वाले हैं आप लोगों ने भी इसको इतना तफसील से नहीं पढ़ा जितना तफसील से पंजाब या बलोचिस्तान या फेडरल के पी के बोर्ड की किताबों के अंदर मौजूद है ठीक है चलो अच्छा जब हम लोग पीछे डिस्कशन कर रहे थे तो आपको याद होगा हमने एक बात की थी हमने ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को डिस्कस किया था हमने देखा था कि कैसे हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होता है इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रो इंडक्शन में हमने ये चीज़ पढ़ी थी हमने देखा था कैसे हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है वो बेसिकली क्या काम करता है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है किसी भी किसके अंदर जनाब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है फिर हमने पूरी कहानी देखी थी कि ये काम कैसे करता है कैसे हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल उसके दरियान में हमारे पास एक कंडक्टर कॉयल होती है जिसको हम रोटेट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल मींस मतलब कोई और बाहर का तरीक़ाकार होता है ना कोई एक्सटर्नल एजेंट होता है जो उसको घुमा रहा होता है ठीक है आप उसे रोटेट करते हो और उसके घूमने की वजह से क्या होता है मोशनल ई का फिनोमिना आता है मोशनल ई पढ़ा था ना हमने ई इक्वल्स वी बी एल साइन ऑफ थीटा कि जब कभी भी कोई कंडक्टर कॉयल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराया जाएगा तो अल्टीमेटली उसमें क्या आता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है द फिनिना इस्टेज मोशनल ई एम एफ तो हमने देखा था कैसे इस ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और हमने इसकी इक्वेशन ड्राइव की थी v इक्ल्स वी नॉट साइन उमेगा टी या हमने इसकी इक्वेशन को ये भी पढ़ा था कि v इक्ल्स एन उमेगा ए बी साइन उमेगा टी सबसे पहले तो यहीं से कहानी को स्टार्ट करते हैं और इसी से देखते हुए चलते हैं जितने क्वेश्चन आएंगे वो मैं सारे के सारे जो है ना वो साथ के साथ डिस्कस करता हुआ जाऊंगा ठीक है अच्छा लग गया भाई वो मिटाने वाला ठीक है तो उसकी टेंशन नहीं लेना जो क्वेश्चन है वो सारे हमारे साथ में डिस्कस होते भी जाएंगे इनशाला अच्छा भाई सबसे पहले हमने अपने ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर जो चीज़ें पढ़ी थी ना वो हमने क्या पढ़ा था हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपको कहानी याद आ रही हो हमने ये देखा था यार हमारे पास जो है ना वो ऐसे एक अदरद नॉर्थ पोल होता है मतलब इतना बेहूदा सा नहीं होता लेकिन बस इस तरह का होता है एक नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला इस तरह का एक बार मैग्नेट होता है और हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो एक अदद क्या थी हमारे पास एक अदद ऐसे ये कंडक्टर कोयल थी और ये कंडक्टर कोयल जनाब कनेक्ट हुई हुई होती है एक अदद किसी भी किससे शाफ्ट से अब होता है क्या जनाबे वाला ये जो आपके पास शाफ्ट है ना ये शाफ्ट बेसिकली रोटेट करती है ये शाफ्ट बाहर किसी चीज़ से कनेक्ट हुई भी होती है जो रोटेट करती है तो अल्टीमेटली ये कॉल भी क्या होती है मूव करती है और जब ये कॉयल इसके अंदर ऐसे घूमती है तो होता क्या है आपके पास इसके एंड के ऊपर जो तारें होती हैं ना जो आपने इस कॉयल से कनेक्ट की हुई होती हैं उसमें क्या होता है हमारे पास करंट फ्लो करना शुरू करता है ठीक है और वो जो करंट फ्लो कर रहा होता है हमने उसकी इक्वेशन ड्राइव की थी वो कुछ इस तरह से थी वी इक्वल्स जिसको आपने कहा था नवाब साइन उमेगा टी यहाँ तक की कहानी तो याद आ रही होगी अब इसमें देखते चलते हैं किससे क्या क्या आती बच्चे जो एंड था ना ये नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स था कि आपने यहाँ पे कितनी बार तार को लपेटा भाई ये बेसिकली ये नंबर ऑफ फ्रेंड्स था ओमेगा क्या था ज़ाहिर सी बात है ये कोयल ऐसे घूम रही है तो इस कॉयल के घूमने की कोई ना कोई रोटेशन वाली स्पीड तो होगी ना तो कोयल के घूमने की जो स्पीड है जो कोयल की रोटेशन की स्पीड है ना कोयल की जो रोटेशन की स्पीड है वो बेसिकली ये ओमेगा था इसी तरह से एक क्या चीज़ है अच्छा ओमेगा का अगर मैं यूनिट लिखूँ ना तो ओमेगा की यूनिट क्या हो जाएगी जनाब रेडियन पर सेकेंड यानी कि एक सेकेंड में कितना रेडियन ये घूम रही है अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने इसी चीज को एंगुलर स्पीड का नाम भी दिया था सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर स्पीड क्या होती है कि पर सेकेंड में जितना ये घूमेगा पर सेकेंड में जितना ये रोटेट करेगा उसको बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी या इसकी एंगुलर स्पीड इस कह रहे होते हैं ठीक हो गया इसी तरह से बी हमारे पास क्या थी बी हमारे पास ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ज़ाहिर है ये नॉर्थ है या साउथ है तो, तो दरमियान मैग्नेटिक में फील्ड भी अप्लाई हुई भी होगी ऑब्वियस सी बात है ये बात सारी की सारी हमें समझ में आती है अच्छा जनाब अब ये ओमेगा टी क्या है सर ये ओमेगा टी क्या भला है बेटा ये ओमेगा टी हमारे पास एंगल है सर एंगल तो इस तरह शो ही नहीं करते एंगल किससे शो करते हैं एंगल हम शो करते हैं थीटा से अगर आपको एंगुलर स्पीड का फॉमूला याद आ रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम टी टियाँ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू उमेगा टाइम्स ऑफ टी यानी कि ये चीज़ बेसिकली आपके पास किसकी जगह लिखी हुई है ये चीज़ आपके पास थीटा की जगह पर ही लिखी हुई है तो इतनी मसले वाली कोई बात नहीं है ये चीज़ आपके पास किसी जगह पर लिखी हुई है थीटा की जगह पर ही लिखी हुई है ठीक है तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है क्लियर हो गया अच्छा हमने यह हर चीज़ समझ ली ना टी टाइम को शो कर रहा है कि ठीक है नंबर ऑफ ट अब होता क्या है ये जो हमारे पास जनरेटर होता है ये ऑल्टरनेटिंग करंट की एक सोर्स है ये क्या चीज़ जनरेट कर रहा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट कर रहा होता है इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर अब ऑल्टरनेटिंग करंट और जो दूसरा करंट होता है उसमें बेसिकली आपके पास क्या फ़र्क है इसको भी समझ लो यहाँ पे ज़रा देखो ठीक है अभी तक हमें यह समझ में आ गया या अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ ली या समझ ली कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर आपके पास कोई कंडक्टर कोयल है जो कि प्लेस हुआ हुआ है बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट और वो रोटेट कर रहे हैं उसके रोटेट करने की वजह से हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है एक अदद ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ जनरेट हो रहा है ऑल्टरनेटिंग कोयल से क्या मुराद है और ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ़ से क्या मुराद है इसको भी समझते हैं फिर इसके कुछ सवालों की तरफ आते हैं ठीक है थीके? अच्छा अब देखो ज़रा बेटे हमारे पास ना दुनिया में दो तरह के करंट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एक हमारे पास होता है जनाब ऑल्टरनेटिंग करंट और एक हमारे पास होता है डायरेक्ट करंट पहले तो समझ लो हमारे पास ना ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है देखो ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसको हम कहते हैं बाय करंट बाय करंट का मतलब ये होता है कि इसकी पोलैरिटी जो है ना वो कंटिन्यूसली शिफ्ट हो रही होती है यानी कि अगर आपको याद होगा जो जो हमने ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर वेव फॉर्म पड़ी थी वो वेव फॉर्म कुछ इस तरह की वेव फॉर्म थी हमारे पास ठीक है इस वेव फॉर्म में क्या कहानी थी यहाँ पे आपके पास वोल्टेज था और यहाँ पे आपके पास क्या था जनाब टाइम था ये वही जो अभी इक्वेशन लिखी थी v इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी ये वही चीज़ है आपके पास अब इसमें हो गया रहा है अगर आप नोट करो अगर आप देखो तो ये जो हमारे पास है ना इस पॉइंट से ले ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट से ले इस पॉइंट तक ये एक साइकिल पूरा हो गया एक साइकिल यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास एक साइकिल है फिर यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास दूसरा साइकिल पूरा हो गया ये दो साइकिल हो गए अब एक साइकिल के अंदर आपका जो वोल्टेज है वो एक बार पॉजिटिव हुआ एक बार क्या हुआ नेगेटिव अगले साइकिल में वोल्टेज फिर एक बार पॉजिटिव हुआ और एक बार क्या हुआ नेगेटिव यानी कि जो आपका वोल्टेज है वो बेसिकली आपकी पोलैरिटीज़ क्या कर रहा है शिफ्ट करता चल रहा है ये पॉइंट हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे तो ये वाला ऐसा जो करंट होता है या ऐसा जो वोल्टेज होता है ना उसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं बायपोलर करंट का नाम देते हैं या बायपोलर वोल्टेज का नाम देते हैं या बायपोलर इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी कह सकते हैं ऐसे आप ठीक है अच्छा अब इसके अंदर बेसिकली ना होता क्या आप ज़रा इसको भी समझ लेना देखो आपने अभी तक जो अपना डायरेक्ट करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना डीसी करंट में क्या हुआ करता था डायरेक्ट करंट आपके पास बेसिकली होता था यूनिपोलर करंट कैसा करंट था भाई साहब यूनिपोलर करंट उसमें क्या था उसमें अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है ना तो अल्टीमेटली आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है ना इसके ट्रेवल का डायरेक्शन फिक्स है यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से कहाँ आएगा पॉजिटिव की तरफ आएगा याद होगा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ड्रिफ्टिंग का शायद याद आ रहा हूँ कि जब कभी भी आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे दे विल स्टार्ट टू ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ़ द बैटरी याद आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन सारा का सारा कहाँ आना शुरू हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना शुरू हो जाएगा अब यहाँ पर ऐसा सीन नहीं होता होता क्या है अगर मिसाल के तौर पर एक पूरे साइकिल का जो टाइम है उसको मैं कैपिटल टी से शो कर दूं क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कैपिटल टी किसके लिए होता है कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है जनाब टाइम पीरियड को और टाइम पीरियड क्या होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट वन साइकिल एक साइकिल को मुकम्मल करने का जो भी टाइम है उसे हम क्या कहते हैं टाइम पीरियड इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये मिसाल के तौर पे मेरे पास एक साइकिल है तो इस साइकिल को मुकम्मल करने में जो टाइम लगेगा वो बेसिकली क्या है टाइम पीरियड है यानी कि अगर ये ज़ीरो है तो इसका मतलब ये क्या होगा कैपिटल टी यहाँ पे आधा साइकिल हो गया तो टाइम भी आधा हो जाएगा यानी कि टी डिवाइडेड बाय टू आधा साइकिल ये रहा आधा साइकिल ये रहा गॉट माई पॉइंट ये आधा साइकिल या आधा साइकिल है अब होगा क्या अगर मान लो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ज़ीरो से टी बाई टू तक के लिए यानी कि पहले आधे साइकिल के लिए यानी कि पहले आधे साइकिल के लिए फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए अगर ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और वाला है, है वो वाला टर्मिनल नेगेटिव है अल्टीमेटली आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे जा रहा होगा अब अगले आधे साइकिल में क्या होगा अगले आधे साइकिल में आपकी जो पोलैरिटीज़ हैं वो रिवर्स कर जाएंगी यानी कि अगर ये पॉजिटिव था पहले तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव था तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बजाय उल्टे हाथ पे जाने के आपका यही इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा सीधे हाथ पे जाएगा और ऐसा कब हो रहा है ऐसा आपके पास हो रहा है सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में यानी कि टी हाफ से टी तक में यानी कि आज सेकेंड हाफ साइकिल में ऐसा हो रहा है वॉट माई पॉइंट आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन डिस्को कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक साइकिल अगर ये मिसाल के तौर पे अगर ये जो एक पूरा साइकिल है ये 20 मिली सेकेंड्स का है कितनी देर का है 20 मिली सेकेंड्स का है तो पहले 10 मिली सेकेंड में पहले 10 मिली सेकेंड में इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है अगले 10 मिली सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे जाता है तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है सबसे पहला डिफरेंस तो ये नज़र आ रहा है कि डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है ऑल्टरनेटिंग करंट टू एंड फ्लो मूव करता है टू एंड फ्रो ये पहला डिफरेंस है जो कि एज ए एम भी पूछा जाता है हमसे कि ऑल्टरनेटिंग करंट की क्या खासियत है और डायरेक्ट करंट की क्या खासियत है डायरेक्ट करंट विल ऑलवेज़ फ़्लो इन वन डायरेक्शन क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आर फिक्स वो चेंज ही नहीं हो रहे जबकि जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इट विल भी मूविंग टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो मूव कर रहा होगा एक ही पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रहा होगा सही अगर आपके पास एक बड़ा सा तार है ना इस तरह का एक बड़ा सा तार है तो इसका मतलब ये है और अगर आपने इसके टर्मिनल्स पे यानी कि मान लो आपने इसके टर्मिनल के ऊपर ऐसे एक ऑल्टनेटिंग सोर्स कनेक्ट करी हुई है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऐसे ऐसे इधर ही फ़्लो करेगा यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इधर कभी नहीं आ सकता पॉइंट समझ आ रहा है सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर इधर फ़्लो कर रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता जबकि डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं था डायरेक्ट करंट में ये इलेक्ट्रॉन फिज़िकली उठ के यहाँ आता था यहां वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता हुआ इधर आता था वापस याद आ रहा है इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से निकल के पूरा घूमता हुआ दूसरे टर्मिनल में आ रहा है वो पूरा बैटरी वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था सब ऑल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं होता ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर द इलेक्ट्रॉन्स विल कंटिन्यू टू वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहेंगे समझ आ रहा है तो ये बेसिकली आपके पास ये खास बात होती है कि यहां पर आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है या आप कह लोगे और कर रहा होगा अबाउट अ फिक्स पोजीशन या आप कह लो कि ये बेसिकली क्या कर रहा होगा वाइब्रेट कर रहा होगा बहुत सारी तफसी है अभी लेकिन वो डिटेल लेक्चर में इंशाल्लाह डालते रहेंगे ठीक है अभी जितना जरूरी है उतना डालते रहना ठीक है तो एक हमारे पास होता है ऑल्टरनेटिंग करंट एक हमारे पास क्या होता है डायरेक्ट करंट ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो आपका इक्ट्रॉन है वो टू एंड फ्रो मूव करते हैं डायरेक्ट करंट में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ आता है क्योंकि टर्मिनल्स ही फिक्स होते हैं थ्रू आउट टर्मिनल्स ही आपके पास चेंज नहीं हो रहे होते ठीक हो गया यहाँ तक कि हमें सारी की सारी कहानी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी ठीक है अच्छा अब हमने ये भी देख लिया हमारे पास साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट है अब ये देखो अब आपके पास ये जो साइकिल पूरा होता है ये साइकिल किस चीज़ पे डिपेंड करता है अब जरा वापस आओ ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की जो हमारी इक्वेशन है ना उसके ऊपर वापस आओ तो बच्चे हमारी जो इक्वेशन थी अगर आपको याद आ रहा होगा वो इक्वेशन हमारे पास थी इक्वेशन क्या थी वी इक्वल्स एन ओमेगा ए बी साइन उमेगा टी ये क्वेश्चन थी हमारे पास ठीक है अब इसके अंदर एन से मुराद तो नंबर ऑफ़ टर्न्स हो गई ए एरिया हो गया बी मैग्नेटिक फील्ड है उमेगा क्या है कि वो कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है तो उमेगा बेसिकली आपके पास क्या चीज़ है उमेगा इज बेसिकली द रोटेशन स्पीड ऑफ द कोयल अगर आप नोट करो तो ये जो वी है ना ये वी डिपेंड किस पे कर रहा है ओमेगा भाई तो डिपेंड कर रहा है क्यों भाई उमेगा चेंज होगा तो साइन की वैल्यू चेंज होती जाएगी भाई देखो ना अभी आपने देखा था ना थीटा क्या होता है थीटा होता है उमेगा मल्टीप्लाई बाय टाइम के यानी कि अगर आप उमेगा का वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज करोगे तो अल्टीमेटली थीटा भी क्या होगा चेंज होता जाएगा तो अब ज़रा यहाँ से समझो बात को बात समझो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर अमूमी तौर पर जो फ्रिक्वेंसी यूज़ की जाती है फ्रिक्वेंसी समझते हो क्या होती है नंबर ऑफ़ साइकल्स इन वन सेकेंड एक सेकेंड में कितने साइकिल्स पास हो रहे हैं वो बेसिकली क्या कहलाती है फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकल्स कंप्लीटेड बाय अ बॉडी इन वन सेकेंड ये क्या कहलाती है फ्रीक्वेंसी ठीक है जो पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर अप्लाइंस बनते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली कितनी होती है पचास हर्ट्स होती है क्लियर हो गया फिफ्टी हर्ट्स फिफ्टी हर्ट्स का मतलब क्या है फिफ्टी हर्ट्स का मतलब ये कि हमारे घरों में जो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है उसके पास एक सेकेंड में पचास साइकिल्स होती हैं एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स हैं फिफ्टी यानी कि यह वाली ना एक दो तीन ऐसी कितनी साइकिल्स है? हैं फिफ्टी साइकिल्स इन वन सेकेंड एक, है एक सेकेंड में हाउ मैनी साइकिल्स आर देयर फिफ्टी साइकिल्स आर देयर क्लियर हो गया अच्छा अब अगर मैं पूछूं आपसे जो हमारे घरों में सप्लाई आती है उसका टाइम पीरियड क्या होता है टाइम पीरियड है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल वो कैसे निकालते हैं रेसिप रोकल ऑफ फ्रीकवेंसी करके यानी कि वन डिवाइडेड बाय फिफ्टी यानी कि वन अपॉन फाइव मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन टेन देखो भैया मैंने इसको यहाँ तोड़ दिया ठीक है सिम्प्लीफाई कर लो इसको ये क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय टेन की पावर माइनस वन वन अपॉन फाइव को सॉल्व किया जीरो पॉइंट टू आया ऊपर गया टन की पावर माइनस वन मजीद सिम्प्लीफाई किया तो ज़ीरो पॉइंट जीरो, टू आ, जीरो टू आ गया या तो आप कह लो जीरो पॉइंट जीरो टू सेकेंड्स हैं या अगर मैं डेसिमल को तीन प्लेस आगे शिफ्ट कर दूँ तो ये बनेगा ट्वेंटी और साथ में क्या आ जाएगा मिली सेकेंड मिली का मतलब क्या है टेन पावर माइनस थ्री भाई जब मैंने डेसिमल को तीन प्लेस आगे शिफ्ट किया तो टेन पावर माइनस थ्री भी तो लगाऊंगा ना क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को चेंज तो नहीं कर सकता ठीक है तो अक्सर आपके पास ये भी एक क्वेश्चन आता है कि हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही होती है उसका बेसिकली टाइम पीरियड क्या होता है ज़ीरो पॉइंट जीरो टू सेकेंड या ट्वेंटी मिली सेकेंड्स यानी कि ये जो हमारे घरों में सप्लाई आती है एक सेकेंड में पचास साइकिल्स आते हैं एक साइकिल को मुकम्मल होने में टाइम कितना लगता है बीस मिली सेकेंड फिर अगला साइकिल बीस मिली सेकेंड फिर अगला बीस मिली सेकेंड तो ऐसे करते करते इन वन सेकेंड हमारे पास कितने साइकिल पूरे हो जाते हैं पचास साइकिल पूरे हो जाते हैं पॉइंट समझ आ गया ये बात सारी की सारी क्लियर हो गई ठीक है अब आगे देखो जरा ठीक है अब देखो आगे हमारे पास अब यहीं पे हमारे पास अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना ये बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करती है ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि आप जनरेटर को कितनी तेजी से रोटेट कर रहे हो या आप जनरेटर जो है ना उसके अंदर जो कॉयल है उसको आप कितनी तेजी से घुमा रहे हो ये फ्रीक्वेंसी वहां इस पर डिपेंड करती है ठीक है ये कैसे पता चला देखो ओमेगा का फॉर्मूला आपको याद है ना थीटा डिवाइडेड बाई टी अगर मैं एक कंप्लीट साइकिल की बात करूँ तो एक कंप्लीट साइकिल में थीटा कितना होता है टू पाई रेडियंस होता है अपॉन टी की जगह पे क्या आ जाएगा जनाब कैपिटल टी आ जाएगा भाई जब मैं एक कंप्लीट साइकिल की बात करूँगा तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए थीटा की जगह पे क्या आएगा थीटा की जगह पे मेरे पास आएगा जनाब टू पाए स्मॉल टी की जगह पे क्या आ जाएगा कैपिटल टी क्योंकि एक टाइम पीरियड हो रहा है पूरा ठीक है ये हो गया मेरे पास ठीक हो गया अब इसी को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिखूँगा टू पाए मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन टी टू पाए इस वन अपॉन टी की जगह पर क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा यानी कि उमैगा किस पे डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे या फ्रीक्वेंसी को कौन डिफ़ाइन कर रहा है उमेगा यानी कि अगर आप उमेगा का वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हो उसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी उमेगा कम करोगे इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ये पॉइंट समझ आता है यानी कि जो हम लोग अपने पास जो यहाँ पे आपको सप्लाई नज़र आ रही है कि जो फिफ्टी हर्ड्स आ रहे हैं ना यहाँ पे फिफ्टी हर्ड्स आ रहा है इसका मतलब इस फिफ्टी हर्ड्स को लाने के लिए हमारे जो जनरेटिंग इस्टेसन हैं उसके अंदर जो हमारा मैग्नेट के दरमियान में जो कंडक्टर कॉयल है वो जो घूम रहा होगा वे एक फिक्स स्पीड से घूम रहा होगा क्यों क्योंकि वो एक फ़िक्स स्पीड से घूमेगा तब जाके एक सर्टेन स्पीड से घूमेगा तभी जाके तो हमेशा पचास हर्ट्ज प्रोड्यूस होगा अगर यही चेंज होता रहेगा तो अल्टीमेटली ये कभी भी फिफ्टी आपके पास नहीं आएगा अब अगर हम वो, वो मालूम करना हो कि वो हमारे पास जनरेटिंग स्टेशन के अंदर वो कितनी स्पीड से अल्टीमेटली आपके पास मूव कर रहा है मिसाल के तौर तो पर अगर वो मालूम करना हो ठीक है आ सकता है ना क्वेश्चन अगर वो मालूम करना हो क्या करेंगे भाई हमें पता है ओमेगा इक्वल्स टू पाई इन एफ दिस विल बी टू पाई मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी ठीक है तो ये बन जाएगा हमारे पास वन हंड्रेड बाई फिफ़्टी को टू से मल्टीप्लाई कर दिया वन हंड्रेड पाए और यूनिट क्या बन गई जनाब इसकी रेडियन पर सेकेंड ठीक है ये हमारे पास आ गया ओमेगा वन हंड्रेड पाए रेडियन पर सेकेंड यानी कि एक सेकेंड में हंड्रेड पाए रेडियंस अगर वो रोटेट करेगा तो अल्टीमेटली हमारा मसला हल हो जाएगा फिफ्टी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी ये जो अभी आपने यूनिट कैलकुलेट करी है ये यूनिट आपके पास ऐसा यूनिट है अब मुझे मिसाल के तौर पे अगर इसको किसी कॉमन यूनिट में शिफ्ट करना हो कॉमन यूनिट हमारे पास होती है आर पी एम आरपीएम बोले तो रोटेशन पर मिनट ठीक है बच्चे अब अगर मुझे ओमेगा को आरपीएम में लेके आना हो तो देखो ये क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है मेरे पास वन हंड्रेड पाई रेडियंस पर सेकेंड पर सेकेंड का मतलब यहां कुछ नहीं लिखा इसका मतलब यहां क्या है वन है तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है बच्चे वन लिखा हुआ है अब ज़रा याद करो कि हमने रेडियन को उसमें कैसे कन्वर्ट करना था रोटेशन में शायद याद आ रहा हो हमारे पास हमारे पास जो एक रोटेशन होता है एक रोटेशन में वी हैव टू पाई रेडियंस ऐसे ही है इसी तरह से एक मिनट में हमारे पास सिक्सटी सेकेंड्स होती हैं याद आ गया ये अगर मैं करता हूँ वन हंड्रेड रेडियन देखो रोटेशन से रेडियन में जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन से रोटेशन में आने के लिए क्या करेंगे टू पाई से डिवाइड करेंगे ये हो गया टू पाई से डिवाइड इसी तरह से ये क्या लिखा हुआ है ये सेकेंड है एक मिनट से सेकेंड में जाने के लिए आप सिक्सटी से मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड से मिनट में आने के लिए आप सिक्सटी से क्या करोगे डिवाइड करोगे और वन सेकेंड की बात हो रही तो मैंने वन को सिक्सटी से क्या करा डिवाइड कर दिया अब जो कर कट रहा है काट दो पाए से पाए चला गया टू से हंड्रेड कट दो यहाँ क्या बचा फिफ्टी बचा यानी कि न्यूमिनेटर में आ गया 50 अपॉन में आ गया 1 डिवाइडेड बाय सिक्सटी पलटेंगे जब इसे तो आपके पास यह जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 60 सिक्स फाइव ज़ा थर्टी और दो ज़ीरो मैंने एज इट इज़ लिख दिए क्लियर हो गया सिक्स फाइव ज़ा थर्टी और ये दो ज़ीरो एज इट इज़ आ गए यानी कि थ्री थाउजेंड आर पी एम एक और एम सी क्यू आपका माजी में आया गया क्या एम सी क्यू था कि इन ऑर्डर टू गेट द डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्टी हर्ट्ज़ द जनरेटर कॉयल शुड बी रोटेटेड एट 3000 थाउजेंड आर पी एम थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आर पी एम या ट्वेंटी फोर हंड्रेड आर पी एम क्लियर हो रहा है अब एक मज़ेदार बात भी सुन लो अगर आपके पास तीन हजार आर पी एम से ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा आपका जो कॉयल घूम रहा है ना अगर ये हमारा तीन हजार आर पी एम से नीचे जाना शुरू हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो आपकी फ्रिकुनसी है ये फ्रीकुंसी भी आपके पास पचास हट से क्या होगी नीचे जाना शुरू हो जाएगी समझ आ रहा है पचास हर्ट से क्या होगी जनाब नीचे आना शुरू हो जाएगी अब एक बात आपको और बता देते हैं मज़ेदार अब ये वाला एक सवाल भी आ सकता है <coughs> देखो हम लोग जब काम करते हैं ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डोमेन के अंदर तो वहाँ हमारे पास क्या होता है बेसिकली हमारे पास ना एक लिमिट लगी हुई होती है लिमिट क्या होती है कि आप 49.5 नाइन तक तो कंज्यूमर को दे सकते हो लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 49.5 नाइन पॉइंट से नीचे चली जाएगी तो आपने सप्लाई रोकनी है वरना उस बेचारे की जितनी चीज़ें हैं ना वो सब जल जाएंगी इसका मतलब 49.5 नाइन पॉइंट इज़ द लास्ट वैल्यू बिलो 50 हर्ड्स जो आप कंज्यूमर को हाँ ये वैली कर सकती है डिपेंड करता है कि आपकी आ, अप्लायंस की टॉलरेंस लेवल कितना है एक जनरल रूल बता रहा हूँ हम लोग प्लस माइनस जो हम लोग काम करते हैं हम लोग फिफ्टी हर्ड्स के अंदर प्लस माइनस ज़ीरो की टॉलरेंस रख रहे होते हैं 49.5 तक में आपको अलाव है अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 3000 हज़ार से कहाँ तक पे आपको ये चीज़ मिल सकती है तो आप देखो यही सब कुछ सॉल्व करते हुए आओगे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव बाय वन अपॉन सिक्सटी मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 49 60. 49.5 नाइन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी यानी कि फ़ोर नाइन्टी फाइव मल्टीप्लाई बाई सिक्स फ़ोर नाइन्टी फाइव इंटू सिक्स करो सिक्स फाइव ज़रा थर्टी जीरो आया थ्री गया सिक्स नाइन से कितना होता है फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर और थ्री कितना होता है फिफ्टी सेवन सात आया पाँच गया फोर सिक्स जैर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर और फाइव कितना होता है टू नाइन सेवन जीरो दो हज़ार नौ सौ सत्तर अब देखना है यहाँ पे पचास हर्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए कॉयल को कितना घूमना था तीन हजार फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव हर्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए कितना घूमना है दो हज़ार नौ सौ सत्तर यानी कि आपका जो जनरेटर का कॉयल है ना कंडक्टर कॉयल वो अपने सिर्फ़ तीस आर गिरा सकता है पॉइंट समझ आ रहे है तीस आर गिरा सकता है सिर्फ तीस आर गिराएगा अल्टीमेटली उसकी फ्रीक्वेंसी 50 से कहाँ तक आ जाएगी 49.5 नाइन हर्ट्स तक आ जाएगी अगर उसने 30 के बाद इकतीसवा आर पी गिराया तो जनरेटर की सप्लाई आगे बंद हो जाएगी वो हमारे पास रिलेज लगी हुई होती हैं वो ऑपरेट हो जाती हैं शायद आपको याद आ जाएगा हमारे पास 2020 के अंदर 2020 के अंदर हमारे पास दिसंबर में एक ब्लैकआउट हुआ था जिसमें पूरा पाकिस्तान की बिजली बंद हो गई थी उसमें यही रीज़न था हमारे सिस्टम पर लोड बढ़ना शुरू होता है जब लोड बढ़ता है तो अल्टीमेटली ये क्या होता है आर गिरना शुरू होते हैं अभी पंखा है ना पंखा खाली घूम रहा है अभी अगर आप पंखे के साथ लटक जाओ जाके तो पंखा इतनी तेजी से घूम सकता है ऑब्वियसली नहीं घूम सकता शाफ्ट पे जब लोड आएगा तो अल्टीमेटली उसकी स्पीड क्या होगी कम होगी तो जब इस लोड आता है स्पीड कम होती है स्पीड कम होती है तो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी क्या होती है गिरती है जैसे ही इससे नीचे आती है तो आपके पास क्या होता है जनाब अंडर फ्रीक्वेंसी रिलेज ऑपरेट कर जाती हैं और फिर आप काम नहीं आगे कर सकते ठीक है बरन कमिंग बैक टू द पॉइंट अभी तक हमने शुरू नहीं किया अपना मेन टॉपिक ठीक है अभी तक सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ते चल रहे हैं हमें यह समझ में आ गई सारी की सारी कहानी के हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर था वो बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है फिर हमने देखा कि हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बेसिकली क्या होता है हमने देखा यार जो वेरी कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे इसको मार्क करके दिखाऊं क्योंकि हमने इस पर ही बात करनी है ज़्यादा ये हमारे पास होता है कुछ इस तरह से अगर आप नोट करोगे ये जो हमारे पास वैल्यू है ना ये वैल्यू हमारे पास इसको हम प्लस वी नॉट मार्क करते हैं ये वैल्यू हमारे पास माइनस वी नॉट मार्क होती है और ये जो पूरा है ना ये हमारे पास एक साइकिल है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा पूरा एक साइकिल है दिस वन कम्प्लीट साइकिल एक पूरा साइकिल है ये ठीक है एक साइकिल में एक बार प्लस हो रहा है एक बार क्या हो रहा है ये माइनस हो रहा है अब इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली वो समझ लो ज़रा यहाँ पे अगर मैं टाइम क्यों लेता हूँ और ये टाइम के साथ मैं अपनी वोल्टेज की प्रोफाइल को यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो जो इक्वेशन मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ दिस इज वी इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी ये जो वोल्टेज की वेव फॉर्म सामने बनी हुई है ये हमारे पास कैलारी होती है साइनोसोइडल यानी कि अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ने जो वोल्टेज प्रोड्यूस किया है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे वेरी करता है साइनोसोइडली वेरी करता है जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है ये टाइम के रिस्पेक्ट से कैसे वेरी करता है साइनोसोइडली वेरी करता है ठीक हो गया जनाबे वाला अच्छा अभी जब ने पीछे एक सवाल किया था ना जिसमें हमने 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था और ओमेगा कैलकुलेट किया था आरपीएम में आपने भी सेम काम करना है सिक्सटी हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करना और उमेगा कैलकुलेट करना ये जो सिक्सटी हर्ट्स वाला कॉन्सेप्ट है ये अमूमन यूज़ होता है यू के अंदर या यू की नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर अच्छा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है जो हमारे पास पचास हर्ज यूज़ हो रहा होता है अंग्रेज़ों ने सिस्टम लगाया था तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे पचास हर्ट का सिस्टम लगाया था यूएस वाले उनसे अलग चलते हैं उन्होंने अपना सिस्टम साठ हर्ट्स पर डिज़ाइन किया है हमारे यहाँ पे 50 हर्ड्स 220 वोल्ट चलता है वहाँ पे 60 हर्ड्स 110 वोल्ट चलता है डजेंट मैटर ठीक है चलो आगे आ जाओ तो ये बेसिकली हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की जो आउटपुट वोल्टेज प्रोफाइल है उसकी एक साइनोसाडन इक्वेशन है अब अगर मैं इसमें मार्क करूँगा जो हमारे पास टाइम है ये वाला टाइम मेरे पास ज़ीरो है ये वाला टाइम कैपिटल टी है क्योंकि यहाँ पर आके मेरा एक साइकिल पूरा हो गया ये मेरे पास क्या है जनाब टी बाई टू है आधा साइकिल हो गया ये क्या है ये मेरे पास क्वार्टर साइकिल है यानी कि टी बाय फोर वही क्वार्टर हो गया ना ठीक है और ये क्या था जनाब टी बाय टू इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री टी बाय फोर ये मेरे पास तीन क्वार्टर हो गए यानी कि अगर आप देखोगे ना ये पूरा का पूरा जो वोल्टेज है अगर आप इसको डिवाइड करोगे ये आपका एक क्वार्टर है ये दूसरा क्वार्टर है ये तीसरा क्वार्टर है ये चौथा क्वार्टर है आपका अब आप इसी के लिहाज से आपने अपने टाइम मार्क कर लिए ये आपका ज़ीरो है यह आपका आधा टाइम हो गया या आपका पूरा टाइम हो गया यह आपका वन क्वार्टर है और यह आपका तीन क्वार्टर है ठीक है ये हमारे पास वोल्टेज वेव प्रोफाइल है जो कि आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं ना आगे जब हम इसकी फेजर डायग्राम पढ़ेंगे या वोल्टेज या इसकी हम वेव प्रोफाइल बनाना सीखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प कर रही होंगी अब आप इसके अंदर नोट करो ये जो साइनोसॉइट था आपका ये एक कम्प्लीट साइकिल के दौरान में एक बार पॉजिटिव मैक्सिमा भी आया एक बार नेगेटिव मैक्सिमा भी आया ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू आपके पास कहला रही होती है पीक वैल्यू क्या कहलाती है बेटे ये वैल्यू आपके पास पीक वैल्यू एक पॉजिटिव पीक है और एक क्या है आपकी नेगेटिव पीक ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको फॉमूला पढ़ाया था ना वी इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी जो वी नॉट है ये बेसिकली आपके पास पीक वैल्यू है ये कहाँ से आती है ये आपने पढ़ा था ना जो आप नवाब नवाब कर रहे होते थे ये नवाब ये मैक्सिमम ईएमएफ जो आपने पढ़ा था ये पीक वैल्यू है एंड नंबर ऑफ टर्न्स ओमेगा रोटेशन स्पीड इन रेडियन पर सेकंड ए इज द एरिया ऑफ द कॉल एंड बी इज द मैग्नेटिक फील इंटेंसिटी इन टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर ठीक हो गया जनाब ये अब इसी तरह से हमारे पास एक यही सेम साइनोसॉइड हमारे पास बनता है अगर आप uh, 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 जो एक्स एक एक्सिस है ना उसके ऊपर टाइम के बजाय थीटा को कंसिडर कर लो ये कैसे होता है उसको भी देख लो अब जरा देखो देखो बच्चे <coughs> अच्छा ये चैप्टर जो है ना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी अक्सर लोगों का ख्याल है कि यह चैप्टर मुश्किल है जबकि ये चैप्टर आसान है बहुत आसान चैप्टर है ठीक है देखो अब देखो आपको एक बेसिक बात पता है कि थीटा बेसिकली किसके बराबर है उमेगा इंटू टी के बराबर है क्लियर है अगर मैं चाहूँ तो मैं इसी चीज को ऐसे मैंशन कर सकता हूँ कि थीटा मेरे पास बराबर है उमेगा जो है उमेगा ओमेगा बेसिकली क्या होता है ओमेगा है टू पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं टू पाई अपॉन टी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय टी यही है अब देखो आपने यहाँ पे क्या सीन किया था आपने कहा ये जो है हमारे पास ये टाइम टी इक्वल ज़ीरो है ये टाइम टी इक्वल्स टी बाई टू है ये टाइम टी इक्वल्स टी है ऐसे ही था अब आप इनका इक्वलेंट जरा यहाँ पे वो निकाल लो यानी कि देखो मैं निकालना सिखाता था जब टाइम टी इक्वल जीरो है टाइम टी इक्वल जीरो यहाँ पुट करो जरा थीटा आ गया आपके पास टू पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय जीरो आंसर इज ज़ीरो आपके पास क्या आ गया ज़ीरो आ गया सिमिलरली जब टाइम आपका टी अपॉन टू है यानी कि ये है तब भी देख लो अपना फॉर्मूला वही है टू पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय टी की जगह पे क्या आ गया टी डिवाइडेड बाय टू जो कैंसिल हो रहा है कर दो टू से टू चला गया टी से टी चला गया सिर्फ क्या बचा पाए यानी कि ये या आ गया आपका पाए इसी तरह से इसको निकालोगे यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा होगा टू पाए आ रहा होगा क्लियर है इसी तरह यहाँ पे आओगे ये आपके पास क्या आ रहा होगा पाए अपॉन टू आ रहा होगा इसी तरह आप यहाँ पे आओगे ये आपके पास क्या आ रहा होगा थ्री पाए अपॉन टू आ रहा होगा करके देख लेना इसको आप बस कुछ नहीं करना जो आपके पास रेलिवेंट टाइम की वैल्यूज़ थी ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो थी ये वाली वैल्यू ये जीरो है यहाँ पे क्या था आपके पास आपने टी बाय फोर रखा था यहाँ पे क्या था आपके पास यहाँ पे आपके पास थ्री टी बाय फोर था अभी तो पढ़ा था हमने थ्री टी बाय फोर पढ़ा था ना हाँ तो ये सारी आपके पास किसकी वैल्यूज़ थी ये आपके पास टाइम की वैल्यूज़ थी ये किसकी वैल्यू आ गई अब थीटा की वैल्यू आ गई सर इससे क्या मुराद है देखो जैसे आप कह रहे थे ना कि जब एक क्वार्टर साइकिल पूरा हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो आपका साइन है वो अपना पॉजिटिव पीक ये पॉजिटिव पीक आपकी अचीव कर रहा होगा बिल्कुल ऐसे ही आप ये कह सकते हो कि जब आपके पास थीटा का वैल्यू पाई बाई टू होगा तो अल्टीमेटली वो क्या अचीव कर रहा होगा अपनी पॉजिटिव पीक ये थीटा के रेफरेंस से बात हो रही है इसी तरह से जब आप आपने कहा ना जब आपके पास तीन क्वार्टर साइकिल पूरे हो जाएंगे तो अल्टीमेटली वो क्या अचीव कर रहा होगा अपनी नेगेटिव पीक अचीव कर रहा होगा इसी तरह आप ये भी कह सकते हो जब उसके बाद थ्री पाई बाय टू हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो क्या अचीव कर रहा होगा नेगेटिव पीक और बाय द वे ये जो ये सारे एंगल है ना ये रेडियंस के अंदर है अगर आप चाहो तो इनको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो रेडियंस से डिग्री में जाने का तरीका भी हमने सर्कुलर मोशन में देखा था कैसे करेंगे मल्टीप्लाई बाय पाए सॉरी मल्टीप्लाई बाय वन डिवाइडेड बाय पाए वन एटी अपॉन पाए से ऐसे याद रख लेना कि पाए डिनोमिनेटर में आएगा ताकि ये ख़त्म किया जा सके पाए बात समझ आ रही है पाई कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में ताकि ये ख़त्म किया जा सके जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे वन एटी अपॉन पाई से आंसर जीरो ही आएगा पाई बाय टू को आप मल्टीप्लाई करोगे चलो करके देख लो पाई अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय वन एटी डिवाइडेड बाय पाई पाई से पाई मर गया टू वनजा और ये क्या हुआ जनाब यहाँ पे क्या आ रहा है नाइन्टी डिग्री इसी तरह करोगे ये पाई आपका क्या आएगा वन एटी यहाँ करोगे ये यह क्या आएगा टू सेवेंटी डिग्री ठीक है करके देख लो इसे भी थ्री पाई अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय वन एटी अपॉन पाई पाए से पाए चला गया टू नाइन्टीज है नाइन्टी को थ्री से टू सेवेंटी डिग्री आ रहा है आंसर इस तरह ये कितना आ रहा है थ्री सिक्सटी डिग्री यानी कि आपको क्या पता चला आपको ये पता चला कि जीरो डिग्री के ऊपर वैल्यू ज़ीरो है नाइन्टी डिग्री के ऊपर पॉजिटिव पीक है वन एटी डिग्री के ऊपर फिर ज़ीरो है टू सेवेंटी डिग्री के ऊपर ये नेगेटिव पीक आ रही है तीन सौ साठ डिग्री पे फिर क्या हो गया ये ज़ीरो हो गया अगर आपको याद आ रहा हो तो ये पूरा का पूरा बिहेवियर आपके पास किसका है साइन के फंक्शन का तो है कैसे देख लो अभी इधर साइन जीरो डिग्री क्या होता है ज़ीरो साइन वन एटी डिग्री भी क्या होता है जीरो साइन थ्री सिक्सटी डिग्री भी क्या होता है जीरो निकाल के चेक कर लो ठीक है इसी तरह से साइन नाइन्टी डिग्री क्या होता है प्लस वन साइन एंटी डिग्री क्या होता है प्लस वन इसी तरह से साइन टू सेवेंटी डिग्री क्या होता है माइनस वन तो क्लियर हो गई ये चीज़ तो मैंने बताया दो था ये पूरा जो हमारे पास ग्राफ है ये पूरा ग्राफ हमारे पास कैसा है साइनोसॉइट फंक्शन है तो अगर ये साइनोसोइड फंक्शन है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ये साइन की तमाम वैल्यूज़ को जस्टिफाई करेगा या साबित करता चल रहा होगा ठीक है भाई ये जो है ना आपने सारी की सारी चीज़ों का ख्याल करना है ताकि अगली वीडियो में जब हम फेज़ का कॉन्सेप्ट और फेज़ लीड फेज लैग पढ़ेंगे तो ये सब वहीं से समझ में आएगा ठीक है मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से लेके चलें ताकि कोई भी मसला ना हो ठीक है ये हमारे पास क्लियर हो गया हम लोगों ने बेसिक सारी डिस्कस कर ली ठीक है टाइम वेव हो गया वो सब हो गया हमारे पास डीसी भी हो गया ये सब भी हो गया अच्छा अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और समझते हैं ठीक है अब देखो ज़रा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया इसी के अंदर से ना एक चीज़ और समझते हैं ज़रा देखो ये सपोज करो हमारे पास एक अद्धा साइनोसॉइड वेव है अब ये हमारे पास पीक वैल्यू है और पॉजिटिव पीक है ये हमारे पास एक अद्धि नेगेटिव पीक है ये हमारा टाइम एक्सेज है ये फिलहाल मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूँ ठीक है अच्छा याद रखना अगर मेरे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो करंट भी कैसा होगा ऑल्टरनेटिंग करंट होगा ठीक है इसका ख्याल करना अच्छा अब अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो मेरी इक्वेशन है वी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी अगर आप नोट करोगे तो मैंने यहाँ पे वी के साथ छोटा सा टी लिखा है ये इसलिए लिखा है क्योंकि वोल्टेज वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मतलब भाई अगर आप ओमेगा को थोड़ी देर के लिए मान लो कि ओमेगा आपके पास क्या हो चुका है फिक्स हो चुका है ओमेगा इज़ नो मोर चेंजिंग और और रियल लाइफ में ओमेगा होता भी फिक्स है अगर ओमेगा फिक्स ना होता तो फ्रीक्वेंसी कभी भी हमेशा पचास हट ना आ रही होती गेटिंग माई पॉइंट भाई ओमेगा आपके पास क्या होता है फिक्स होता है तभी तो घर में जो फ्रिक्वेंसी आती है वो कितनी आती है पचास हट आ रही होती है क्लियर हो गया अब अगर ओमेगा आपके पास फिक्स है तो अल्टीमेटली आपके पास जो वी है वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर टाइम के ऊपर क्यों देखो इक्वेशन क्या है v इक्वल्स नवाब साइन ओमेगा टी देखो भैया n तो फिक्स है ना नंबर ऑफ ओमेगा फिक्स a फिक्स b फिक्स तो v सिर्फ डिपेंड कर रहा है साइन पे और साइन डिपेंड कर रहा है किस पे टाइम पे अब ये देखो ये टाइम आपका जो है ना ये जीरो से बढ़ते बढ़ते कैपिटल टी तक आ रहा है यानी कि यहां जा रहे हो तो टाइम आपका क्या हो रहा है चेंज हो रहा है अब आप नोट करो कि टाइम के चेंज होने से वी का वैल्यू चेंज हो रहा है जब टाइम जीरो था तो वी का वैल्यू जीरो था जब टाइम का वैल्यू यहाँ पे आया तो वी का वैल्यू भी ऐसे बढ़ गया कुछ यहाँ पे आ गया टाइम का वैल्यू बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आया तो वी का वैल्यू मैक्सिमम हो गया टाइम और आगे गया तो वी वापस कम होना शुरू हो गया टाइम यहाँ पे आया तो वी वापस ज़ीरो हो गया फिर टाइम आगे जा रहा है अल्टीमेटली अब वी आपका नेगेटिव हो गया टाइम यहाँ पर आया आपका थ्री टी बाय फोर आया तीन क्वार्टर पूरे हुए आपका नेगेटिव पीक आ गया फिर ये आगे जा रहा तो है यहाँ पर आया तो अल्टीमेटली फिर ये जीरो हो गया यानी कि जैसे जैसे आपका टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका जो वोल्टेज का वैल्यू है वो भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है ये समझ आ रहा है यानी कि देखो जीरो से लेके टी तक आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ़ टाइम के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ़ वोल्टेज आ रही है कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है कहीं पॉजिटिव पीक है कहीं नेगेटिव पीक है कहीं पॉजिटिव नॉन पीक वैल्यू है कहीं नेगेटिव नॉन पीक वैल्यू है कहीं ज़ीरो है कहीं नॉन जीरो है तो चेंज आ रहा है अगर मिसाल के तौर पर जैसे अगर हम प्रैक्टिकल बात करें जो हमारे घरों में सप्लाई आती है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स की और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है ट्वेंटी मिली सेकेंड अब जरा यहाँ पर गौर से ना टेक्निकल बात सुनना ट्वेंटी मिली सेकेंड इसका मतलब जीरो से लेके ट्वेंटी मिली सेकेंड तक में एक साइकिल ऐसे करके पूरा होता होगा बिल्कुल होता होगा अगर मैं जीरो मिली सेकेंड पर बात करूँगा तो जीरो मिली सेकेंड के ऊपर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो टेन मिली सेकेंड पर नहीं होगी इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि यार टाइम टी इक्वल वन मिली सेकेंड में मुझे वोल्टेज की वैल्यू बताओ मैं कहूँ मुझे टाइम टी इक्वल थ्री मिली सेकेंड पर वैल्यू बताओ मैं कहूँ टाइम टी इक्वल्स एट मिली सेकेंड पर वैल्यू बताओ तो क्या ये बात समझ में आती है कि ये सारी वैल्यूज अलग अलग होंगी बिल्कुल अलग होंगी क्यों कैसे कैलकुलेट करोगे आप बोलोगे वी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी जब आप टाइम की वैल्यू चेंज करोगे तो साइन का फंक्शन चेंज होगा साइन चेंज होगा तो ओवरऑल वैल्यू चेंज होगी आंसर चेंज आएगा तो वी नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी का वैल्यू भी क्या होगा चेंज आ रहा होगा समझ आ गई बात वी का वैल्यू क्या होगा चेंज है तो आप जिस टाइम पर जो वी का वैल्यू निकालोगे वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू जिस टाइम पे जो वी की वैल्यू निकालोगे वो क्या कहला रही है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये कॉन्सेप्ट था इंस्टेंटेनियस वैल्यू का यानी कि इस टाइम पे ये जो वैल्यू है ये इंस्टेंटेनियस है इस टाइम पे ये जो वैल्यू है ये इंस्टेंटेनियस है इस टाइम पे ये जो वैल्यू है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जिस टाइम पे आपने जो वैल्यू निकाली है वो बेसिकली आपके पास क्या होती है जनाबे वाला इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ठीक है और याद रखना वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कंटिन्यूसली वेरी कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तभी हम जब भी इक्वेशन लिखते हैं उसको वी ऑफ टी लिखते हैं कि वोल्टेज साइनोसाइडली वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक हो गया जनाबे वाला यहां तक मैं उम्मीद करता हूँ सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छा जनाब अब आगे देखो ज़रा अब हमारे पास एक ट्रम और है समझने वाली देन एक ट्रम और है देन हमारा काम खत्म हो जाएगा ठीक है थीके? चलो अब ये हमारे पास जो है ये जो है अब ये जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो वैल्यू थी ना ये तो अभी हमने पढ़ ली है क्या कहला रही है पीक वैल्यू अच्छा बार बार बीस से लिख रहा हो क्योंकि नॉर्मली हम लोग वोल्टेज और टाइम की ग्राफ देख रहे होंगे ठीक है ये हमारे पास है पॉजिटिव पीक इसी तरह से ये जो होगी हमारे पास ये क्या होगी जनाब नेगेटिव पीक ठीक हो गया भाई यहाँ या, यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव पीक है यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो क्या है नेगेटिव पीक है अब गौर से देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि इन दोनों के दरमियान की ये जो वैल्यू है ये कहलाती है पीक टू पीक वैल्यू क्या कहलाती है भाई साहब ये ये कहलाती है पीक टू पीक वैल्यू आप में से जो ए लेवल वाले बैठे हैं आप लोगों ने अगर ऑसिलोस्कोप पढ़ा होगा तो उसमें एक फंक्शन होता है पीक टू पीक वैल्यू मेजर करने का ये हमारे पास क्या होती है जनाब पीक टू पीक वैल्यू अब यहां पर एक मसला समझ लो देन उस मसले से हमारा अगला और आखिरी कॉन्सेप्ट आता है ठीक है ये भी समझ लेना अब जनाब एक मसला समझो जरा <coughs> मसला क्या है आपको याद होगा जब हम लोग अपना इंस्ट्रूमेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने अपने इंस्ट्रूमेंट्स के कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा था एम मीटर हमने पढ़ा था वोल्ट मीटर और हमने पढ़ा था गलवेनोमीटर ये सब पढ़ा था हमने अब देखो हमारे पास जो अगर आपको याद होगा ना गलवेनोमीटर का मेन पर्पज़ क्या था टू डिटेक्ट करंट एंड टू सेंस द डायरेक्शन ऑफ करंट के करंट कहाँ फ्लो कर रहे हैं ऐसे सेंटर में ऐसे हुआ करता था ये, अगर करंट एक तरफ जा रहा था ये यहाँ चला जाता था अगर करंट इसके बजाय यहाँ जा रहा है उल्टे हाथ पे जा रहा था तो वो यहाँ चला जाता था अब ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर तो उसका अंदाज ही निराला है क्यों क्योंकि आधे टाइम पे करंट ऐसे जाता है आधे टाइम पे करंट ऐसे जाता है करंट का दीनीमानी एक नहीं है करंट का डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है अब उसको मेजर कैसे करेंगे एक मसला मसला समझ आ रहा है एक मसला क्या है आप उसे मेजर कैसे करोगे भाई जो एमीटर है अब मिसाल के तौर पर आपके पास तीन एम्पेयर डी सी गुजर रहा है तो क्या होगा आपके पास जो आपका एम मीटर है वो स्टार्ट में यहाँ था वो यहाँ कहीं पे आके रुक जाएगा आपका जहाँ पे आपका तीन एम्पेयर की रीडिंग शो हो रही होगी अब अगर आपने इसी को जो आपका डी सी एम मीटर है इसके जरिए आप ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर कर रहे हो तो क्या होगा वो यहाँ पे आएगा प्लस थ्री पे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर यहाँ पे आएगा माइनस थ्री पे ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल फिर यहाँ जाएगा फिर यानी कि आपका जो डी सी एम मीटर है वो तो मेजर ही नहीं कर सकता ऑल्टरनेटिंग करंट को क्यों वो ऐसे ऐसे बेचारा बावला ही होता रहेगा क्यों भाई वो ऐसे घूमता रहेगा वैल्यू कैसे मेजर करेगा वैल्यू तो तब तो मेजर तो करेगा जब करंट एक जगह पर कहीं रुकेगा वो तो करंट जरूरी रुक रहा पॉइंट समझ आ रहा है ये मसला होता है फिर आपने कहा चलो यार ऐसा करते हैं कि हम ना एवरेज निकाल लेते हैं हम क्या करेंगे एक एवरेज वैल्यू एक और मसला क्या था जहन में एक और मसला यह था कि यार ये जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है देखो जब आप कहते हो ना मैंने किसी को डीसी का तीन एम्पेयर करंट दिया तो बात समझ में आती है भाई तो तीन एम्पेयर मतलब तीन एम्पेयर तीन एम्पेयर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैंने एक डिवाइस को पाँच मिनट तक एक डिवाइस को पाँच मिनट तक तीन एम्पेयर करंट दिया तो ये बात समझ में आती है कि यार पहले मिनट में भी तीन एम्पेयर जा रहा होगा दूसरे मिनट में भी तीन एम्पेयर जा रहा होगा तीसरे मिनट में भी क्या होगा तीन एम्पियर जा रहा होगा चौथे में भी क्या होगा तीन एम्पेयर जा रहा होगा ये बात समझ में आती है लेकिन अगर आप कहते हो मैंने एक डिवाइस को पाँच मिनट तक ऑल्टरनेटिंग कारण तीन एम्पेयर दिया तो इसका मतलब क्या है कि पाँच मिनट तक ऐसे साइकिल फ्लो होती रही अब इसमें तीन एम्पेयर तो पीक वैल्यू आपने बताई पाँच के पाँच मिनट तक तो पीक वैल्यू नहीं थी यहाँ पे जीरो भी आया होगा फिर वन भी आया होगा फिर टू भी आया होगा फिर थ्री आया होगा अब कितने टाइम तक वन था कितने टाइम तक टू था कितने पे थ्री था फिर वापस टू हुआ होगा फिर वन हुआ होगा फिर जीरो हुआ होगा फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अब आपको इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है एवरेज वैल्यू से क्या मुराद है देखो भाई कभी इसको जीरो मिला होगा कभी वन मिला होगा कभी टू मिला होगा कभी थ्री मिला होगा तो आपको ये बताना है पाँच मिनट तक कोई ऐसी वैल्यू बता दो जो कि एवरेज आउट हो भाई जिसके अबाउट में सारी वैल्यू भाई एवरेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि एक जर्नल समराइज़ किस्म की वैल्यू मिल जाए जिसके आगे पीछे सारी वैल्यूज़ लाई कर रही हूँ पॉइंट समझ आ रहा है जैसे एक क्लास है उसमें कोई बच्चा है वो 26 साल का है कोई बच्चा है वो 23 साल का ट्वेंटी थ्री ईयर्स ट्वेंटी सिक्स ईयर्स अब एक एवरेज निकाल लिया आपने 24.2 मिसाल के तौर पे तो सब के सब उसके आसपास लाए कर रहे होंगे तो आपने इसकी एवरेज वैल्यू मेजर करनी है अभी ये हमारा कॉन्सेप्ट है ठीक है तो मैंने आपको बता दिया कि आपके जो ट्रेडिशनल डी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्यों नहीं मेजर कर सकते ऑल्टरनेटिंग करंट को क्योंकि वो बेचारे ऐसे 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 डिस्कोई करते रहेंगे अगर आप बोलोगे चलो इनको एवरेज वैल्यू मेजर करनी चाहिए तो ये डायरेक्टली एवरेज वैल्यू भी मेजर नहीं कर सकते क्यों नॉर्मल है देखो पहले तो ये समझ लो कि एवरेज क्यों मेजर करना था पहले मैंने वो बता दिया एवरेज क्यों मेजर करना है क्यों के देखो मैं फिर बता रहा हूँ अगर आप एक किसी डिवाइस को पाँच मिनट तक तीन एम्पायर डायरेक्ट करंट देते हो तो इसका मतलब पहले मिनट में भी उसके पास तीन एम्पेयर आया दूसरे में तीसरे में तो समझ में आ गया मैंने तीन एम्पेयर करंट दिया अब अगर मैं एक डिवाइस को पाँच मिनट तक तीन एम्पेयर ऑल्टरनेटिंग करंट देता हूँ तो मैं एवरेज आउट कैसे करूँगा कि मैंने कितना करंट दिया डिवाइस को और समझ आ रहा है क्योंकि तीन मिनट तक या पाँच मिनट तक उसे मुसलसल तीन एम्पायर तो मिला ही नहीं मिसाल के तौर पर अगर जो मैं ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहा हूँ उसका साइकिल वन मिनट का है तो एक मिनट में उसको सिर्फ दो बार तीन एम्पायर मिला होगा एक पॉजिटिव पीक पे एक नेगेटिव पीक पे उसी एक मिनट में इसको जीरो भी मिलेगा वन भी मिलेगा जीरो पॉइंट फाइव भी होगा वन पॉइंट फाइव भी होगा टू भी होगा टू पॉइंट फाइव भी होगा मुझे एक एवरेज वैल्यू चाहिए जो ये बता सके यार मैंने एक मिनट तक मुसलसल ये करंट तो दिया इसको बट समझ आ यार दे, देखो सर तो मेरे पास पहले महीने में दस हज़ार रुपये आए दूसरे महीने में ज़ीरो आए तीसरे महीने में फिर दस हज़ार आए चौथे महीने में फिर दस हज़ार आए पाँचवें महीने में फिर क्या आया ज़ीरो आया अब अगर मैं इन सब का एवरेज निकालूं मैं कहूंगा मेरे पास हर महीने छः हज़ार रुपया है क्या ये बात ठीक है नहीं लेकिन ये बताने के लिए अच्छा है कि हर महीने में एवरेज कितने पैसे आए छः हज़ार तो अब जब मैं छः को वापस पाँच से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा तीस जो कि मेरे पास टोटल अमाउंट भी देखो यही आई थी तो यही तो है मेरे पास अब आपने कोई ऐसी एवरेज वैल्यू बतानी है जो आप कहो कि थ्रू आउट द टाइम ये एवरेज वैल्यू तो डिवाइस को मिलती ही मिलती रही है बट समझ आ रहे हैं ये एवरेज वैल्यू तो डिवाइस को मिलती ही मिलती रही है ये हमारा टारगेट है हमें वो एवरेज वैल्यू मालूम करनी है जिसको हम कह सकें कि यार मैंने यार्टरनेटिंग करंट जब डिवाइस को देना शुरू किया था तो दिस इज़ द एवरेज वैल्यू जो कि डिवाइस को उस पूरे टाइम के दौरान कंटिन्यूसली मिलती रही हाँ ऑब्वियसली वो भी नहीं मिली होगी देखो ना मैंने छः हज़ार रुपये निकाले थे क्या मुझे हर महीने छः हज़ार मिलते ही रहे नहीं ज़ीरो भी आया टेन भी आया ज़ीरो भी आया और टेन भी आया लेकिन कहने के लिए आसान है ना कि हर महीने कितने पैसे मिले छः हज़ार रुपये मिले तो छः को पाँच से मल्टीप्लाई करने का पता चल जाएगा इसी तरह से मैंने क्या करा एक वैल्यू कहने के लिए जो आसान है ना वो हमने एक एवरेज वैल्यू निकाली बिल्कुल ऐसे ही एक एवरेज वैल्यू चाहिए जो बता सकें कि यार जब आपने ऑल्टरनेटिंग करंट एक फलानी डिवाइस को सप्लाई किया था तो ये वो वैल्यू है जो उस पूरे टाइम में जैसे एक मिनट का अगर साइकिल है तो एक मिनट में अगर तीन एम्पेयर की हम बात करें तो एक मिनट में तीन एम्पियर एक बार प्लस पे आएगा एक बार माइनस पे दो बार आएगा तो मैं तो नहीं कह सकता कि एवरी है क्योंकि तीन एम्पियर तो मुसलसल मिला ही नहीं उसे बड़े समझ आ रहा है तो कोई ऐसी वैल्यू जो कि मुसलसल उसको मिली है वो आपने निकाली ठीक है देखो भाई अब उसको कैसे करना है हम लोगों ने यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है आर एम एस का कॉन्सेप्ट अच्छा अब ये हम किस तरह से निकालते हैं इसको भी समझ लो जरा देखो देखो आर एम एस का कॉन्सेप्ट समझना पहले जरा मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है ना एक सौ रुपए का नोट है ठीक है मैंने क्या करा है एक सौ रुपये के नोट से जो है ना बाज़ार से जाके एक लेस पापड़ खरीद लिए सौ रुपये के ठीक है ऐसे जब हम लोगों की ऑफलाइन क्लासें होती है ना उसके अंदर ब्रेक के अंदर यही चल रहा होता है ठीक है लेस पापड़ पर जिंदा रहते हैं अक्सर लोग तो बरअल मैंने क्या किया सौ रुपये के लेस पापड़ खरीद लिए अब मेरे पास जो है ना बहुत सारे बीस रुपये के नोट हैं बहुत सारे बीस रुपये के नोट हैं अब मुझे ये नहीं पता कि एक सौ रुपये कितने बीस रुपये के बराबर है मिसाल के तौर पे मैं बिल्कुल भाव रहा ठीक है मुझे नहीं पता एक सौ रुपये में कितने बीस रुपये मैं क्या किया मैं दुकानदार के पास गया और उसके पास जाके दोबारा से एक सौ वाला लेस उठा लिया मैंने उसको एक बीस रुपये का नोट दिया उसने कहा पैसे कम है लेस नहीं आ सकता ये सौ वाला उसमें अब मुझे नहीं पता लेस आता नहीं आता सौ का ठीक है फिर मैंने उसको दो बीस के नोट दिए उसने कहा अभी भी पैसे कम है तीन दिए अभी भी कम है चार दिए अभी भी कम है जैसे ही मैंने इसको पाँच नोट दिए ना बीस रुपये के इसने मुझे दोबारा वही वाला लेस का पैकेट दे दिया तो मुझे क्या समझ में आया मुझे समझ में आया एक सौ रुपये का नोट पाँच बीस रुपये के नोट के, के बराबर है पॉइंट समझ आ रहा है एक सौ का नोट पाँच बीस के नोट के बराबर है मुझे वैसे मुझे पता कैसे चली ये बात मैंने सौ रुपये के नोट से एक काम किया वो काम मैंने अपने जहन में फिक्स कर लिया अब मैंने देखा कि बीस रुपये के कितने नोट वही काम कर सकते हैं मेरे लिए तो बीस रुपये के जितने नोट एग्जैक्टली वही काम करेंगे सौ और वो उतने बीस रुपए इक्वेलेंट हो जाएंगे पॉइंट समझ आ रहा है क्लियर है मैंने सौ रुपए से एक काम किया वो काम मैंने जहन में फिक्स कर लिया मैंने देखा बीस रुपए के कितने नोट इस काबिल हैं कि वही सेम काम कर सकें उससे मैंने इनको इक्वेट कर दिया यही काम हम ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में रिलेशन निकालने के लिए कर रहे हैं देखते हैं जरा चलो देखो अब जरा अब सपोज करो मेरे पास एक कोई कंटेनर है मेरे पास एक कोई कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर पानी है ये लेट से इलेक्ट्रिकल हीटर है मैंने क्या किया जनाब <coughs> मैंने क्या किया मैंने क्या किया इसको डायरेक्ट करंट दिया दस एम्पियर कितना करंट दिया जनाब डायरेक्ट करंट दिया इसको मैंने दस एम्पियर इसको मैंने दस एम्पियर डायरेक्ट करंट दिया मिसाल के तौर पे एक मिनट तक के लिए कितने मिनट के लिए दिया एक मिनट के लिए या एक मिनट ना करो इसको दस मिनट कर लूँ मैंने इसको दस एम्पेयर करंट दिया दस मिनट के लिए और अल्टीमेटली ये जो पानी था ना स्टार्ट में इसका पानी का जो टेम्परेचर था वो जीरो डिग्री सेल्सियस था फिर कितना हो गया हंड्रेड डिग्री क्योंकि ये जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल हीटर है मेरे पास इलेक्ट्रिकल हीटर क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है मैंने क्या करा इसको डायरेक्ट करंट दिया दस एम्पेयर कितनी देर के लिए दस मिनट के लिए और इस करंट ने काम क्या किया इसने पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया ज़ीरो डिग्री सेल्सियस से कितना कर दिया वन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे इसको ये ले गया मैंने ये काम नोट कर लिया और ये जो इसने काम किया है इसको मैंने अपने वहाँ लिख भी लिया ये काम कितना है ईक्ल्स आई स्क्वायर आर टी ऐसे ही है ना जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है उसको मैं इसी तरह लिख सकता हूँ कि वो किसके बराबर है मेरे पास आई स्क्वायर आर टी के बराबर है याद होगा ना ये तो सब हमने पढ़ा हुआ है हमारे पास ये जो आई स्क्वायर आर टी का कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा ठीक है ये हमने यहाँ पे मैंशन कर लिया अब मैं क्या करता हूँ मैं इसको ऑल्टरनेटिंग करंट देता हूँ अरे भैया तुम तो साइड पर हो जाओ मैं क्या करता हूँ इसको ऑल्टरनेटिंग करंट देता हूँ अब अगर मैं इसको ऑल्टरनेटिंग करंट देता हूँ और वो भी मैंने इसको दस मिनट के लिए देना है क्योंकि जाहिर है मुझे दस मिनट में यही काम दोबारा करना है जब दस मिनट में यही काम दोबारा हो जाएगा तो मैं कहूँगा ये करंट आपस में इक्विवेलेंट हो गए समझ आ रही है मैंने इसको दस एम्पियर अच्छा याद रखना ये जो मैं करंट बता रहा हूँ ना ये इसकी पीक वैल्यू बता रहा हूँ अब एक बात बताऊँ अब जरा तुम देखो पानी को बॉयल होने के लिए 10 मिनट तक मुसलसल 10 एम्पेयर करंट चाहिए था आई रिपीट पानी को बॉयल होने के लिए 10 मिनट तक मुसलसल 10 एम्पियर करंट चाहिए था पानी को बॉयल होने के लिए 10 मिनट तक मुसलसल 10 एम्पियर करंट चाहिए था, था, था।, था। जब मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट दस एम्पियर दिया तो इसका मतलब वो तो इस तरह से है समझ आ रहे है? मतलब प्लस टेन माइनस टेन अब अगर मिसाल के तौर पे ये एक साइकिल पूरा दस मिनट का ही है मिसाल ले रहे हैं कि ये एक साइकिल पूरा दस मिनट का है तो दस मिनट में तो इसको सिर्फ दो बार दस एम्पियर मिला एक बार पॉजिटिव पीक पे एक बार नेगेटिव पीक पे दस मिनट तक यहाँ इसे मुसलसल दस एम्पियर मिला तब जाके आपका पानी बॉयल हुआ है यहाँ तो दस मिनट तक उसे मुसलसल दस एम्पियर मिल ही नहीं रहा क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में आपके पास साइकल्स हैं जिसकी वजह से पोलैरिटी शिफ्ट हो रही है खैर साइकिल बोलना गलत है क्योंकि वो डायरेक्ट करंट में भी हो सकते हैं हाँ ये कह सकते हैं ये आपके पास क्या है बाईपोलर करंट है पोलैरिटीज़ क्या हो रही है शिफ्ट हो रही है और कंटिन्यूसली वेरी कर रहे है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है कम हो रहा है फिर नेगेटिव में बढ़ रहा है बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है समझ आ रही है अब मैंने क्या करा करंट को बढ़ाया बढ़ाया दस एम्पियर में मैंने देखा दस एम्पियर करंट देने पर दस मिनट में काम नहीं हो रहा मैं बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया फाइनली 14.14 पॉइंट यानी कि जब मैंने इसको 14.14 पॉइंट .14 दिया पॉइंट समझ आ रहा है फोर्टीन पॉइंट देने का मतलब क्या है ये जो आल्टरनेटिंग करंट है इसकी पॉजिटिव पी कितने पे आ रही होगी प्लस फोटीन पॉइंट वन फोर नेगेटिव पी कितने पे आ रही होगी माइनस फोटीन पॉइंट वन फोर जब मैंने दस मिनट तक फोटीन पॉइंट वन फोर एम्पियर करंट दिया फिर क्या हुआ पानी वापस बॉयल हो गया अब देखो वही लेस पापड़ वाली एग्जाम्पल काम देखो दोनों के इसमें एक जैसा हो गया दस मिनट में जो आपका टेम्परेचर है वो जीरो से बढ़ के कहाँ आ गया हंड्रेड पे दस मिनट में जो आपका टेम्परेचर है वो जीरो से बढ़ के कहाँ आ गया हंड्रेड पे काम एक जैसा हो गया अब मैं कहूंगा ये जो फोर्टीन पॉइंट वन फोर एम्पेयर है इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है दस एम्पेयर है क्यों देखो फिर रिपीट कर ये फोर्टीन पॉइंट वन फोर एम्पियर एवरेज वैल्यू नहीं है ये इसकी पीक वैल्यू है ये क्या है इसकी पीक वैल्यू है इस इस करंट की एवरेज वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है दस एमपेयर क्यों क्योंकि इसने वही काम करा जो दस एम्पेयर का करंट दस मिनट में कर रहा था सही है यह कहलाती है आर एम एस वैल्यू आर एम एस क्या है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वो एवरेज वैल्यू डीसी करंट की जो उतना ही काम कर रही है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट उतनी देर में करेगा आर एम एस क्या है वो इक्व वैल्यू डीसी करंट की वो इफ़ेक्टिव वैल्यू डीसी करंट की वो एवरेज वैल्यू डीसी करंट की जो उतना ही काम कर रही है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट इतनी देर में करेगा अब देखो 14.14 .14 भी इसे 10 मिनट तक मुसलसल नहीं मिला होगा जाहिर है इसको जीरो भी मिला होगा इसको 14 भी मिला होगा इसको 13 भी मिला होगा इसको 12 भी मिला होगा अब जहन में सवाल आता है सर हमें तो दस एम्पेयर देना था आप थर्टीन भी दे रहे हैं तो बच्चे यहाँ पर दस मिनट तक दस एम्पयर मुसलसल मिल रहा था अजान हो जाए आगे चलते हैं ठीक है भाई अब जहन में एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि सर आप आपने यहाँ पे तो 10 मिनट तक 10 एम्पेयर दिया अब यहाँ पे आप 14 भी दे रहे हैं 14 14.14 .14 भी दे रहे हैं 13 भी दे रहे हैं 12 भी दे रहे हैं एलेवन तो बेटे यहाँ पे यहाँ पे ये यह देखो यहाँ पे जब इसे 10 मिल रहा है तो इसको 9 भी मिल रहा है 8 भी मिल रहा है 7 भी मिल रहा है 6 भी मिल रहा है कम भी तो मिल रहा है तो ज़्यादा भी मिलेगा तभी जाके तो एवरी स्टेन पर बैठेगा पॉइंट समझ आ रहा है भाई अगर इसको टेन से ज़्यादा मिल रहा है तो टेन से कम भी मिल रहा है जब टेन से कम भी मिलेगा टेन से ज्यादा भी मिलेगा तभी जाके एवरेज कहाँ पे आएगा टेन एमपीयर तक ये हमारे पास कहलाती है आर एम एस वैल्यू आर एम एस वैल्यू को और इस पीक वैल्यू को रिलेट कैसे करते हैं आर एम एस वैल्यू बराबर होती है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू के याद रखना भाई साहब ये फॉर्मूला अंडर रूट टू हमारे पास होता है वन पॉइंट फोर वन फोर पॉइंट समझ आ रहा है आर एम एस क्या होता है आर एम एस वैल्यू हमारे पास बराबर होती है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्लियर हो गया ठीक हो गया अच्छा मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं हमने क्या करा डायरेक्ट करंट में 10 मिनट तक 10 एम्पेयर करंट दिया जिसने एक काम किया अब ऑल्टरनेटिंग करंट अगर हम 10 एम्पेयर तक दे रहे थे तो हमने देखा यार ये 10 मिनट में पानी को बॉयल नहीं कर रहा तो हमने क्या करा करंट को बढ़ाना शुरू किया 11 एंपेयर दिया नहीं हुआ होते होते कहां पर आ गए फोर्टीन जैसे ही मैंने सेट किया दोबारा से दस मिनट में पानी क्या हो गया बॉइल हो गया मैंने कहा ये मेरे पास क्या है ये दोनों आपस में क्या है इक्व है दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ये जब भी आपने कोट करनी होगी ना अब अब आप ये कोट करोगे कि ये आपके पास क्या है दिस इज़ द आर एम एस वैल्यू ऑफ़ द करंट ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है देखो आप ये नहीं कहोगे कि ये एवरेज है देखो एवरेज क्या होता है जो मुसलसल मिले मैं फिर मिसाल दे रहा हूँ मुझे एक महीने दस हज़ार मिले अगले महीने ज़ीरो फिर दस हज़ार फिर दस हज़ार फिर ज़ीरो अब इसका एवरेज कितना है छः अगर मैं कहूं कि मुझे, मुझे मुसलसल दस हज़ार रुपये मिले पाँच महीने तक तो बात गलत है अगर मैं कहूं मुझे छः हज़ार रुपये मुसल पाँच महीने मिले तो बात ठीक है क्योंकि मैं सिक्स को जब फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर विल बी थर्टी थाउजेंड यहाँ देखो मैं ये नहीं कहूँगा फोर्टीन पॉइंट वन फोर एम्पेयर उसे मुसलसल मिला क्योंकि फोर्टीन पॉइंट वन फोर एम्पियर इज़ द पीक वैल्यू यह मुसलसल नहीं मिला मुसलसल कितना मिला टेन एम्पेयर आपने कैसे नापा के इसे मुसलसल ये मिला काम को देख के दस एम्पेयर पे डायरेक्ट करंट जो काम कर रहा है फोर्टीन पॉइंट वन फोर एमपियर देने पर भी वही काम कर रहा है तो हम कहेंगे टेन एमपियर इज द आर एम एस वैल्यू इज द एवरेज वैल्यू इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ डी सी करंट समझ आ रहा है ये ऑल्टरनेटिंग करंट की वो इफेक्टिव वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू है जो कामों को क्या कर रही है इक्वेट कर रही है तो आपके पास अक्सर जो घरों में आपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस देखे होंगे ना जो घरों में डिस्ट्रीब्यूशन पैनल लगे हुए होते हैं उन पे लिखा आ रहा होता है ना 220 वोल्ट हमारे घर में आ रहा है ये जो 220 वोल्ट होता है ये बेसिकली क्या होता है आपका आर एम एस वैल्यू होता है ये वो एवरेज वैल्यू है जो आपकी अप्लाइंस को मुसल मिल रही है पीक ये थोड़ी होती है अगर मैं आपको बोलूं दो सौ बीस वो आ रहा है घर में इसकी पीक कैलकुलेट करो पीक कैसे निकालोगे आर एम एस बराबर होता है पीक वैल्यू अपॉन अंडर रूट टू के आर एमएस कितना है टू ट्वेंटी मल्टीप्लाई अंडर रूट टू विल गिव यू द पीक वैल्यू नजर आ रहा है ये सब का सब आ रहा है अंडर रूट टू क्या होता है होता है टू ट्वेंटी को मल्टीप्लाई कर लो वन पॉइंट फोर वन फोर से आपको आपकी पीक वैल्यू मिल जाएगी येगा ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई बै फोटीन विल गिव यू द पीक वैल्यू फोर्टीन टू का क्या होता है ट्वेंटी एट एट इधर आया टू इधर गया फोर्टीन टू दा ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट और टू कितना हुआ जनाब थर्टी 30. तीन सौ आठ वोल्ट यानी कि अगर आपके घर में दो सौ बीस वोल्ट आ रहा है इसका मतलब वो जो घर में आपके वोल्टेज के वेव आ रही है ना उस वोल्टेज की वेव का ये मैंने अपना कोई कैलकुलेशन है तो वन पॉइंट फोर वन फोर एग्जैक्ट होता है वैसे याद रखना तो इसकी जो पीक वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है तीन आ रही है प्लस तीन सौ आठ माइनस तीन सौ आठ अब क्या आपकी अप्लायंसेस को हमेशा तीन सौ आठ मिल रहा है नहीं मिल रहा है तीन सौ आठ क्योंकि तीन सौ आठ मिल रहा है तो तीन सौ सात भी मिल रहा है तीन सौ छह भी मिल रहा है तीन सौ पांच भी मिल रहा है कम होते होते वन फिफ्टी भी मिल रहा है वन नाइन्टी भी मिल रहा है क्योंकि जीरो से तीन सौ आठ तक जा रही है तो तो एवरेज क्या करा एवरेज उसे जो हमेशा मिल रहा है वो कितना है टू ट्वेंटी वोल्ड मिल रहा है तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर एम एस वैल्यू आर एम एस वैल्यू क्या है इफेक्टिव वैल्यू जो कि एवरेज वैल्यू है जो कि ऑल्टरनेटिंग अपलायंस को मुसलसल मिल रही है भले आपका वो ऊपर नीचे हो रहा है वेव प्रोफाइल बढ़ रहा है कम हो रहा है तो एक एवरेज वैल्यू जो आप कोट कर सकते हो कि यार यहाँ ये वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ करने वाली अपलायंस को कंटिन्यूसली मिल रही है वो बेसिकली आपके पास क्या कहलाती है आर एम एस वैल्यू कहलाती है ठीक है अच्छा इसी के अंदर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर एम एस वैल्यू बराबर होगी वन अपॉन अंडर टू जो जो होता है वो जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन होता है इन टू पीक वैल्यू ये फॉर्मूले याद रखना सारे आर एम एस वैल्यू बराबर है जीरो पॉइंट सेवन टाइम्स द पीक वैल्यू ये फॉर्मूले आपको वोल्टेज वगैरह के उसमें भी लिखे मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा वी आर एम एस विल बी इक्वल टू वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू या आई आर एम एस विल बी इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू तो भैया दिस वॉज द फर्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने तमाम बेसिक्स डिस्कस करी अपनी ऑल्टरनेटिंग करंट की अगले लेक्चर के अंदर फेस का कॉन्सेप्ट आएगा लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट आएगा और चीज़ें देखेंगे उम्मीद है यहाँ तक सारी की सारी कहानी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी